नमस्कार। आप देखेंगे कि आप पैसे तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन बचत नहीं हो पा रही है, सेविंग नहीं हो पा रही है। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी स्थितियां हैं आपकी जन्म पत्रिका में हो, या ऐसे भी कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जब आप सेविंग कर सकते हैं, और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आप अपनी बचत कर सकते हैं। क्योंकि तो आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में खर्चे इतने अधिक हो गए हैं कि जितना भी पैसा आता है आपके पास रुक नहीं पाता है। तो आइए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह और गुरु ग्रह या फिर दोनों में से कोई एक मजबूत है तो आप पैसे बचा पाएंगे। जी हाँ, बुध ग्रह और गुरु ग्रह या फिर दोनों में से कोई एक, क्योंकि इनका संबंध मनी मैनेजमेंट से भी है। जी हाँ, वित्त के देवता हैं, धन के देवता हैं गुरु ग्रह, ये मैनेजमेंट सिखाते हैं। इसी प्रकार बुध का संबंध भी मनी मैनेजमेंट से है। तो दो में से कोई भी ग्रह यदि बलवान है, मजबूत है और शुभ स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप पैसे बचा पाएंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे चलते हैं, शनि ग्रह। शनि ग्रह का संबंध यदि धन भाव से हो रहा है, विशेषकर यदि शनि ग्रह धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो भी व्यक्ति पैसे बचाता है। ध्यान रहे, शनिदेव नीच राशि के नहीं होने चाहिए। और जिनके भी धन भाव में शनि ग्रह हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसा व्यक्ति कंजूस भी हो जाता है, बहुत पैसे कमाता है लेकिन खर्च नहीं करता है। कई बार ऐसी स्थितियां देखी जाती हैं। और कौन सी स्थिति होती है जब पैसे बच सकते हैं? देखिए, आपके घर में जो रसोई है यदि वह साफ सुथरी है, उसमें कोई दोष नहीं है, तो भी आप पैसे बचा सकते हैं। और क्या हो सकता है? घर की अलमारी यदि वह सही दिशा में रखी हुई है, सही दिशा में खुलती है, उसके दरवाजे सही दिशा में खुलते हैं, तो भी आप पैसे बचाएंगे अपने जीवन में, सेविंग आपकी जरूर होगी। अब बात कर लेते हैं हम उपायों की, कौन से ऐसे उपाय हैं यदि आप करें तो आपकी बचत होने लगेगी। जी हाँ, तो पहला बिंदु, जैसे कि मैंने बात की थी, बुध या गुरु ग्रह मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो, तब आप पैसे बचा सकते हैं। तो क्या करना होगा आपको? आप अपनी जन्म पत्रिका किसी ज्योतिषी को दिखाइए, और यदि बुध या गुरु ग्रह मजबूत हो, शुभ स्थिति में हो, मजबूत नहीं भी हो लेकिन शुभ स्थिति में है, तो इनके रत्न को धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना और गुरु का रत्न पीला पुखराज, तो इनमें से कोई भी एक आप धारण कर सकते हैं अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार, और तब ये ग्रह बलवान हो जाएंगे और आपको बचत कराएंगे, मनी मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे। अगले उपाय की बात करते हैं, घर में तिजोरी जहाँ रखी है, ये देखिए कि तिजोरी का दरवाजा किधर खुलता है, या फिर जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, तो देखिए वो दरवाज़ा किधर खुलता है। वह दरवाज़ा या तो उत्तर की दिशा में खुलना चाहिए या फिर पूर्व की दिशा में खुलना चाहिए। यदि यह दरवाज़ा दक्षिण या पश्चिम की दिशा में खुलेगा तो व्यर्थ के खर्चे होंगे, धन की हानि होगी और पैसे बच नहीं पाएंगे। अगला बिंदु, अगला उपाय, रसोई घर को जितना हो सके साफ सुथरा रखें। यदि रसोई घर साफ सुथरा है तो व्यर्थ के हॉस्पिटल इत्यादि के खर्चे आपके नहीं होंगे और आप पैसे बचा पाएंगे। अगले बिंदु पर या अगले उपाय पर आते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जिस भी लॉकर में, जिस भी अलमारी में, जहां भी आप पैसे रखते हैं, उसके नीचे एक लाल कपड़ा या फिर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाकर फिर उसके ऊपर रखें अपने पैसे, अपने धन, और साथ में कुबेर जी की प्रतिमा या फिर एक कुबेर जी की फोटो रख दें, इससे धन आकर्षण बढ़ता है। साथ में जहां भी आप पैसे रखते हैं, आप ध्यान रखें कि लॉक करके रखें तो अधिक अच्छी बात है, और जहां भी पैसे आप रखते हैं अलमारी इत्यादि में, ऐसा ना हो कि उसके साथ आपने ढेर सारे बाकी के सामान भी रख दिए हैं, कपड़े वगैरह, नहीं, उस स्थान को खाली ही रखें तो अधिक अच्छा। उसके नीचे के रैक में आप रखें, लेकिन उस स्थान में जहां आप पैसे वगैरह रख रहे हैं साफ सुथरा रखें, खाली रखें। अगले बिंदु की बात कर लेते हैं, यदि आपके पास धन तो आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा है, तो आप, ये भी हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र
बहुत बलवान हूँ। अब होता क्या है, शुक्र तो वैभव के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, तो पैसे तो ये लाएंगे लेकिन खर्च भी उतनी तेजी से हो जाएगा और बचत नहीं हो पा रही होगी। तो आपको क्या करना है, लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और शुक्रवार को लाल गुलाब के फूल को लक्ष्मी जी को अर्पित करना है। यह उपाय करें, आपके पैसे बचने लगेंगे। अगला उपाय भी देख लेते हैं। पीली हल्दी के 2 पीस लीजिए, 2 गांठ पीली हल्दी लीजिए, पीले कपड़े में बांधकर किसी भी गुरुवार को, विशेषकर शुक्ल पक्ष की गुरुवार को अपने रसोई घर में कहीं रख दें। हो सके तो रसोई घर में उत्तर की दिशा में रखें। फिर देखिए कमाल, आपके पैसे में बचत होने लगेगी, पैसा आएगा भी और रुकेगा भी। इस हल्दी को साल भर बाद फिर से बदल दीजिए तो आपकी बचत होने लगेगी। अगले उपाय की बात कर लेते हैं। अगला उपाय है, शनिवार के दिन सिक्कों का दान करें किसी निर्धन को। जी हाँ, शनिवार के दिन कुछ सिक्के ले लीजिए और उसको किसी निर्धन व्यक्ति को या फिर भिखारी को आप दान कर सकते हैं। इससे भी आपकी पैसों की बचत होने लगेगी, पैसा आएगा भी। अगले उपाय की बात कर लेते हैं हम। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास दुनिया भर के उपाय करने के बावजूद भी पैसे नहीं बच रहे हैं, और यदि आप मैरिड हैं तो आपको क्या करना है कि अपने लाइफ पार्टनर की पत्रिका भी देखिए, अगर उसमें पैसे बचने के यानी कि धन संग्रह के योग दिख रहे हैं तो लाइफ पार्टनर के अकाउंट में पैसे जमा करें या फिर ज्वाइंट अकाउंट खोलकर फिर उसमें पैसे जमा करें। लाभ होगा, आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा, आज हमने बहुत ही छोटे छोटे और कारगर उपायों की बात की यहाँ पर कि किस प्रकार से आप अपने धन का संग्रह कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। इनमें से आप कुछ को ट्राई जरूर करें, लाभ जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।